हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं बढ़िया हूँ। तो आज हम बनाएंगे एक यूनिक तरीके की चटनी। यूनिक तरीके की मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, हम ज़्यादातर हम कोई भी सब्ज़ी हम बनाते हैं हरी, तो उसका हम छिलका फेंक देते हैं। तो आज हमने वो छिलका फेंकना नहीं, हमने क्या करना है, उस छिलके का जैसे घिया है, लौकी है, जो भी बोलते हो, उसका छिलका उतार लेना और उसको अच्छे से साफ़ पानी से धो लेना। धोने के बाद क्या करना, फ्राई पैन में आपने थोड़ा तेल रखना, तेल में थोड़ा जीरा डाल देना और उसके बाद ये छिलका रख देना और उसको अच्छे से थोड़ा फ्राई सा होने देना। उसके बाद ये मैंने धनिया की डंडी होती है वो डाल ली है, हरी मिर्च डाल दी है और थोड़ा पुदीना मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। और मतलब गार्लिक भी डाल देना, चटनी बिना गार्लिक के तो चटनी होती नहीं यार। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा जब भून लेंगे, भूनने के बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मिक्सर जार में इसको डाल के हम पीस लेंगे, थोड़ा नमक डाल के। तो ये चटनी इतनी टेस्टी बनती है, आप कभी भी बना के देखना, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आपने मैं शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे ये चटनी, और इस चटनी को जब मैंने खाया तो इतनी टेस्टी थी, और जब मैंने दूसरे उनको भी खिलाया, बच्चों ने भी खाई थी, उनको भी बहुत पसंद आई। तो इस प्रकार की चीज़ें, कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी इस्तेमाल हो जाती है, जो बोलते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम, वो वाली बात हो जाती है। तो घिया हमारे लिए बहुत अच्छी सब्ज़ी है, उसको खाने में नखरे करते हैं लोग, लेकिन वो हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छी होती है और उसको खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर हमें देखो बीमारी में हर समय हरी सब्ज़ियाँ क्यों बताते हैं, इसलिए तो क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है, तो इसलिए हमें हरी सब्ज़ियाँ खाने को देते हैं और वो बोलते हैं घर में कि हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूँ, जो हमारी आँखों के लिए, हमारी सेहत के लिए मतलब बहुत अच्छी फ़ायदेमंद है। तो हरी सब्ज़ी का इस्तेमाल इस प्रकार करें, सब्ज़ी की घिया की छिलके की चटनी बना लें और घिया की सब्ज़ी बना लें और उसके बाद उसको खाएं। आप चिल्ला बना लें, पकोड़े बना लें, पराठा बना लें, जो भी आपको पसंद है वो बनाएं और उसको खा लें। और ये देखो चटनी कितनी अच्छी सी बन के तैयार होगी, कुछ छोंकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, तो इसमें छोंक लगाने की ज़रूरत नहीं है और ऐसे सिंपली टेस्टी लगते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।